और हमारे दगड़ बैठे हैं केदार सिंह रावत जी, जो कि कुछ धरोहर बचाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड के यूथपुरी 10 पीढ़ी याद सर, जब ये गौ माँ हो रही 10 पीढ़ियों का कुछ ना कचिन। तो रावत जी हम आपसे पूछना चाह रहा कि 10 पीढ़ी आपकी जो गुना सुन के आपसे याद छना पड़ी, अरे बहुत रियर छ लेकिन आज का जमाना लोग अपने दादा परदादा बूढ़ दादा को नौ तक बिसर जाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी अगर 10 पीढ़ियां पर याद करी छे तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी सिर्फ याद ही करी छी लिखी भी छी कभी याद है लेकिन शिकार गुम हो जाए। नाबालिग में छुड़े पिताजी भी गुजरी था पहले जी जी, एक बंधु थे दोनों से जब्त हुए सरकार में सब हुए तब अब कारोबार चले पुराना रिकॉर्ड हमको कुछ याद से। चलो ठीक है याद से, लेकिन कोशिश करें कि आप ये थे कि लिखने कोशिश करें कि लेकिन आपका बाद या फिर बच्चों थे याद दिलाने कोशिश करें, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो ये अपनी 10 पीढ़ियों की 10 साखियों की जो वंशावली थी आपसे बताना होगा चलो, उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर ला है। तो आप बताओ हमें जरा कैमरा टेन कर दो। जी बोला ऊपर से ले आए कि नीचे से? हाँ ऊपर से ले आऊ। अच्छा हाँ। पहले तो साहब जय सिंह था प्रमुखा, उसके बाद था काल देवी, उसके बाद था मोनू, उसके बाद था कमला बुड्ढा, तब था दादा मोती, तब पिताजी का नाम था गजे सिंह और हमारा नाम है केदार सिंह और हमारा भाई का नाम है शेर सिंह और दो बच्चे उनके हैं, 3 बच्चे और 2 बच्चे हमारे हैं। ये सारा गूंगा हो गया, एक ठीक है और उसके 4 बच्चे हैं। तो बड़े बच्चे जो हमारा लौंडा है उसका बड़े बच्चे का नाम है हरिचंद, उसके बच्चे का नाम है सुभाष। हो गए साहब 10। अच्छा 10 पीढ़ी होगी ना। सुभाष हुआ, हरिचंद्र हुआ और अच्छा सुभाष का पिताजी होगी ना हरिचंद। हाँ सुभाष मेरे पुत्र से। अच्छा और हरिचंद्र हो गया नाती। अच्छा उमेश सिंह हो गया लौंडा। अच्छा और केदार सिंह मैं स्वयं हूँ ठीक है। हमारे पिताजी का नाम था गजय सिंह, गजय सिंह और दादा का नाम था मोती सिंह और मोती के बाद है कमला, कमला के बाद है मोनू, मोनू के बाद है काल देवी, काल देवी के ऊपर है जय सिंह। अच्छा 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 तो चलो जी बहुत 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 शुक्रिया। और कुछ बताना चल आप ये गाँव के बारे में? और क्या बताऊँ साहब, वही टाइम आए बोला तो जगह स्थापना करी और आए जन हम बहुत जन था पहले गढ़ को मोन से बतौना तक बनाए पत्र प्रमाण छाने तब फिर पलियो बोलन तक आए तब पलियो बिजन हम यख आया। तो एक परिवार पोखार गए तक करीबन 700 परिवार हुए पोखार। अच्छा पोखार। हाँ अच्छा और हम आए ये के आए ना देख ये के ये के रहना, अब हम दो भाई अब हैं 4-5 पुरुष मंदिर हैं। अच्छा अच्छा चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई बहनों जन अपन सुनी कि केदार सिंह रावत जी थे कि अपना 10 पीढ़ी कंठत याद से इबे हम कुठार गो बचो। ये कुठार गो घनसाली से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर छे और ये को रूट में बता दूं कि एक तो नजदा में केदारनाथ की तरफ रोड चल गया बंसाली बटे, एक रोड तुम्हारा बूढ़ा केदार चमयाला की तरफ रोड चल जाते, एक है कोई रास्ता से जो कुत्तू और कुठार की तरफ चल जाते। तो कुठार वाल जो रोड से यहाँ के रोड पर से जो पुल बटे की दैन तरफ पर गई से वे गाँव में छो मेरे कोठार। तो यू थे कि अपने 10 पीढ़ी याद चले
अब कमेंट्स के रिक में आप भी नहीं पता है कि आप थे कि अब पीढ़ी खतगा पीढ़ी याद सर खून चढ़ने से नहीं याद है। और अगर याद ना भी हो अगर कंठ याद ना हो तो कहीं ना कहीं लिखी हूँ चढ़ने से कि लगे हमारा पुत्र हमारा जो बुजुर्ग सन हमारा जो वंशज सन उनकी कम से कम इतनी जानकारी हम दे खून चढ़ने से और रखने चढ़ने से। जब तक मैं अपनी बात कर दूँ तो मैं थे कि पंडित ना पर सात पीढ़ी याद सन तो मैं बता दूं कि हमारा जो मूल गांव था वो डोबरी गांव या केसर ब्लॉक में थे तक बटे हमारा पूरा जो था वो पलायन करे कि रसखिल गांव में है ना रसखिल बटे नैथन हो हम नैथन बटे बड़ी सकनी और बड़ी सकनी बटे कि हम बिदु गांव में माइग्रेट करे का यहाँ छो ये वर्तमान जो हमारे गाँव छो बिदु गाँव छो हमारा ददों को नाम जब तक मैं दया आज की उदय राम जी जो कि सरदार बन गए चाहे अमृतसर जाके उनका वंश स्वाम फिर वे के बाद में उनका द्वि पुत्र हुए सीरू और बीरू उनका द्वि पुत्र हुए रोमपाल बगला उनका फिर द्वि पुत्र हुए जिरखू और किंगे ये बटे एक तरफ हमारे स्वारा है एक तरफ चलिए ना और अपना अब भी नहीं यह बटे कि अपने याद है कि उन्होंने चलिए साथ कथी को हमारे दादा का पिताजी यानी कथी को और हमारे दादाजी भैया भगत सिंह हमारा एक पिताजी वगैरह एक चाचाजी वगैरह गिरधारी और घनश्याम सिंह और फिर हम पांच बैच हो दुई चाचा का और हमारा मिले की हो गया कृष्णा प्रकाश मेरे बड़े हो गया रंजीत मेरा छोट बुला हो गया महेश्वर और सर्वेश्वर ये हमारा दुई चाचा का बच्चा छ और जो हमारी औलाद छ मेरे एक एक लड़की से अमन मेरे बड़े बहन से उनका दुई लड़की तरुण और करण और चचा को तरह बटे की एक लड़का हिमांशु तो इन नौ पीढ़ी हमारे मित्र याद थे कल कई लोग इन बीच ने की जो कि बहुत पुराने पुराने मन सवाली याद रखेंगे पाटा गो में गेचा टीरी में खास पट्टी में तो कि अपने मन सवाली याद करी चे तो सबूत है कि अपनी मन सवाली याद हो चढ़ी चे इनको बोले कि फोन है चाहिए बोल राणा जातियों का बार में आप हमें जानकारी दिया हो राणा अलग छ और राणा राणा बोलने चाहिए बाबा राणा तो मैंने अभी तक सुना नहीं चल राणा था सुना थे पर राणा नहीं सुना जो थे तो प्रयास करना चाहिए अभी तो गांव गुठार प्रयास करो चाहिए करियो थे जुड़े थे अगर आप हमें जानकारी दे तो बड़ी खुशी मिली बहुत बहुत धन्यवाद गांव गुठार देखना था वास्तव में।